फर्जी वेबसीरीज स्टोरी एंड रिव्यू इन हिंदी। दो लड़के जल्दी अमीर बनने के लिए नकली नोट छापने का काम करने लगते हैं, लेकिन इस अपराध की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो शुरू करते हैं। सनी यानी शाहिद कपूर एक गरीब पेंटर था। वह अपने नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस चलाने में हेल्प करता था। सनी के बचपन का दोस्त फिरोज भी उस प्रेस में काम करता था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और बैंकरप्ट होने की कगार पर था। सनी अपनी गरीबी की जिंदगी से तंग आ चुका था। एक दिन वह फिरोज से कहता है कि क्यों ना हम प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से काउंटर फीट नोट यानी नकली नोट छापें। कुछ हेजिटेशन के बाद फिरोज मान जाता है। शुरू में वे ज्यादा सफल नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं और नकली नोट छापने लगते हैं। दूसरी तरफ माइकल नाम का एक पुलिस ऑफिसर नकली नोटों के अपराधियों को पकड़ने की भरसक कोशिश कर रहा था। उस समय नकली नोटों का सबसे बड़ा सरताज मंसूर था, जो नेपाल से ऑपरेट करता था। एक दिन माइकल उसे धर दबोचता है, लेकिन इस झड़प से वह किसी तरह बच निकलता है। इसके बाद माइकल एक एंटी काउंटर फिटिंग टास्क फोर्स बनाता है। मेघा एक आरबीआई बैंक की ऑफिसर थी और वह भी नकली नोटों से परेशान थी। वह सन्नी की कॉलेज के दिनों की दोस्त भी थी। माइकल उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद मेघा और माइकल मिलकर नकली नोट छापने वालों की तलाश करने लगते हैं। एक दिन सनी और फिरोज के पास नकली नोट छापने की बहुत बड़ी डील मिलती है। इसी बीच माइकल अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में बिना बुलाए जाता है। उसकी अपने बेटे से ज्यादा नहीं बनती थी और उसका बेटा उससे बहुत नाराज हो जाता है। एक दिन मेघा को पता चलता है कि एक आर्टिस्ट है जो नकली नोट डिजाइन करता है और उसके बाद उस डिजाइन को छापा जाता है। मेघा उसकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सनी ही वह आर्टिस्ट है। एक दिन मिशन धनरक्षक लॉन्च किया जाता है। इसका मकसद सारे देश में नकली नोट छापने वालों को पकड़ना था। इसी बीच माइकल अपनी नाराज पत्नी से भी सुलह करने की कोशिश करता है। उधर सनी के नाना जी गायब हो जाते हैं। सनी उनकी खोज करता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस भी उसकी कोई हेल्प नहीं करती और सब लोग उससे घूस मांगते हैं। इसी बीच धन रक्षक को एक सफलता मिलती है जो नोट मार्केट में चल रहा था। अब वह स्कैनर की पकड़ में आने लगा था और किसी काम का नहीं रहा था। इससे मंसूर का बॉस उस पर बहुत गुस्सा होता है। मंसूर का धंधा ठप्प होने की कगार पर था। अब वह एक सुपर नोट डिजाइन करवाना चाहता था ताकि उसका धंधा फलता फूलता रहे। उधर सनी भी सुपर नोट बनाना चाहता था क्योंकि उसका बिजनेस भी चौपट हो गया था। एक दिन वह कोड क्रैक करके सुपर नोट डिजाइन करने में सफल हो जाता है। वह उसे फिर से छापने लगता है। अब इस नोट को सरकार के स्कैनर पकड़ नहीं पाते। उधर मंसूर के आदमी सुपर नोट डिजाइन नहीं कर पाते। उसके बॉस का उस पर लगातार दबाव पड़ता जा रहा था। उसका बॉस बताता है कि सनी नाम के युवक ने यह नोट डिजाइन कर लिया है और वे उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहते थे। इसी बीच धीरे धीरे मेघा को सनी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह अब भी नकली नोट को डिजाइन करने वाले आर्टिस्ट की तलाश में थी। इसके बाद सनी पुलिस की टास्क फोर्स में अपना एक जासूस छोड़ देता है। उधर माइकल भी मंसूर की ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक जासूस छोड़ देता है। इसी बीच सनी ट्रोजन हॉर्स नाम का एक प्लान बनाता है जिसके जरिए नकली नोट नेपाल से भारत लाए जाने थे। सनी और फिरोज बहुत अमीर होते जा रहे थे और वे बहुत रिच लाइफ जी रहे थे। सनी और मेघा का रोमांस भी जारी था। एक दिन मेघा सुपर नोट के बारे में एक जरूरी सीक्रेट जान लेती है। इसके बाद माइकल कानून को अपने हाथ में लेकर एक आदमी को बुरी तरह से मारता है। इससे गहलोत नाम का एक मंत्री बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वह माइकल को खरी खोटी सुनाता है। वह आदमी उसी मंत्री का था और वे भी इस गोरख धंधे में शामिल थे। इसी बीच मंसूर बहुत बेचैन हो रहा था। वह चाह रहा था
कि नकली नोट अब मार्केट में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। इसके बाद माइकल एक ट्रैप बिछाता है जिसमें सनी और फिरोज पकड़े जाते हैं, लेकिन वे किसी तरह भाग निकलते हैं। माइकल कहता है कि वह हार नहीं मानेगा। उधर मंसूर का बॉस उस पर बहुत गुस्सा था और उसे मार देना चाहता था, इसलिए मंसूर अपने आदमियों के साथ सनी और फिरोज को किडनैप कर लेता है ताकि वह सनी से सुपरनोटे डिजाइन करवा सके। मंसूर उन दोनों से पूछता है कि सुपर नोट किसने डिजाइन किया है। सनी बताता है कि उसने डिजाइन किया है। यह जानने के बाद फिरोज को गोली मार दी जाती है। इसके बाद सनी से कहा जाता है कि सुपरनोटे डिजाइन करे। इस तरह क्राइम की दुनिया में पैर रखने की सनी बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। और समाप्त। दोस्तों, यह थी वेब सीरीज फर्जी के सीजन एक की पूरी कहानी। मुझे ये कहानी अच्छी लगी। आपको यह वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।